नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। एक्सरसाइज 14.1 को हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे और 2 को भी इसी लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बन जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोडर रोडर ऑर्डर मोर देन वन। रोटेशनल सिमेट्री का मैंने थ्योरी पार्ट है, इसके जस्ट 14.1 के पहले वाला जो लेक्चर था, सिमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, उसमें हमने कंप्लीट किया था। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें भी हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। अगर तब भी समझने में ना आए तो प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लीजिएगा। बोल रहा है कि जो फिगर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिगर हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको पहचानने हैं कि 6 फिगर में से ऐसी रोटेशनल सिमेट्री पहचाने जिससे ऑर्डर एक से ज़्यादा हो। ये सर्किल है, सर्किल का ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, और ये जो क्रॉस मार्क दिया है ना, यहाँ देखिए क्रॉस मार्क है, यहाँ क्रॉस मार्क है, यहाँ क्रॉस मार्क है, ये क्रॉस है, क्रॉस है, क्रॉस है, मतलब कि यहाँ से इस फिगर को घुमाया जा रहा है। ठीक है, इस फिगर का सेंटर है ये, यहाँ से घुमाया जा रहा है। अगर इस सर्किल का देखिएगा तो ऑर्डर सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, तो अगर ये लाइन नहीं रहती ना तो किसी सर्किल का रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे दो लाइन दिए गए हैं, दो लाइन दिए गए हैं, तो इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो दो लाइन है, तो इस सर्किल का रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, 90 डिग्री पे जब इसको टर्न कीजिएगा तब जाके ये आपको सेम फिगर मिलेगा। क्योंकि अगर इस, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको हाईलाइट करते हैं, समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को रखा। ठीक है, पहचानने के लिए हमने सर्किल बनाया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये वाला जो लाइन है, हमने इस लाइन को, ये जो पॉइंट है, इसको हमने 90 डिग्री टर्न कराया, तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, तो सेम टू सेम फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पॉइंट को हमने इधर लेके आया, 90 डिग्री टर्न कराया, तब पर भी सेम ही फिगर है। फिर इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ लेके आया, तब पर भी सेम फिगर है। ठीक है, तो टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, अगर फिर से एक बार और टर्न कराएंगे 90 डिग्री, तो फिर ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा। तो इस सर्किल के लिए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अगर सर्किल में अगर ये लाइन नहीं रहता तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना होता है किसी सर्किल का, इन्फिनिटिव होता, याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि अगर ये साइड और ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होंगे तब जाके इसके जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर है वो 3 होंगे। ठीक है, कैसे, अब किस किस एंगल पे इसको हम रोटेट करेंगे, अगर हम 60 डिग्री पर रोटेट करें, 60 डिग्री पे मतलब कि नहीं, 120 डिग्री पर रोटेट करें, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन उठ के उधर आ गया, तो एक बार सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता दूँ, ये हो गया, मान लीजिए ये एक पोर्शन है, इसको हमें उठा के यहाँ लाना है, तब पर भी अगर ये वाला पोर्शन यहाँ लेके आएंगे हम, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार समझिएगा, अगर ये वाला पोर्शन हम यहाँ लेके आए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो रोटेशनल का जो ऑर्डर रहेगा, किस एंगल पे हम रोटेट कर रहे हैं इस ट्रायंगल को, तो 120 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है वो हो गया 3। मतलब कि 3 बार इसको हम घुमाएंगे 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में, तब जाके ये सेम टू सेम फिगर मिलेगा। ठीक है, कितने बार घुमा सकते हैं, 3 बार घुमा सकते हैं, ऑर्डर का मतलब ये हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ वो, अब देखिए ये फिगर है आपका, इस फिगर को हमें सेम टू सेम लाना है। सेम टू सेम लाने के लिए इस फिगर को देखिएगा, अगर आप इसको 1 डिग्री पे घुमाइएगा तो कुछ इधर आ जाएगा, इधर घुमाइएगा तो इधर 90 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा, तो एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा, 180 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसका फेस इधर है लेकिन 180 डिग्री पे ये हो जाएगा, 270 डिग्री पे फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा पोजीशन आएगा जब 360 डिग्री पूरा इसको घुमा दीजिएगा, तब जाके सेम टू सेम इसी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब 360 डिग्री पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। तब इसका जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर हो गया तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। सी के लिए 1 हुआ, बी के लिए 3 था, ए के लिए 4 था। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा। यहाँ देखिएगा इसके लिए क्या होगा, डी के लिए, डी के लिए हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको हम 90 डिग्री पे टर्न करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर 180 डिग्री पे करते हैं, 180 डिग्री पर ये नीचे, ये वाला अगर इसको हम 180 डिग्री करेंगे तो फिर से सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री अगर हम 270 पे करते हैं तो फिर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि ये और ये सेम थोड़ी है,
ठीक है, और फिर 360 डिग्री पे करेंगे तब जाकर फिर ये सेम टू सेम मिल जाएगा। तो 0 डिग्री से लेके, 0 डिग्री को ही 360 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री से लेके अगर 360 डिग्री के बीच में कितना देखा गया, कितने बार ये सेम टू सेम फिगर मिल रहा है रोटेट करने पे, 2 बार मिल रहा है। कितने कितने एंगल पे मिल रहा है, एक 180 डिग्री पे एंगल मिल रहा है, एक 360 डिग्री पे मिल रहा है सेम टू सेम फिगर। तो इसका जो रोटेशनल साइमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना है डी नंबर का, 2 हो गया। सी नंबर के देख लिए, सी नंबर हमने बताया था अगर ये सर्किल शेप रहता तो इसके लिए इन्फिनिटिव होती, क्योंकि सर्किल को आप कितना भी घुमा लो घुमा लो घुमा लो घुमा लो घुमा लो तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो बहुत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, उसके ऑर्डर अलग अलग हो जाएंगे, उसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 3 लाइन है, देखिए 3 लाइन है। और ये वाली लाइन को हम उठा के इधर ला दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो होगी, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये वाली लाइन इधर आ जाएगी। तो इसकी जो रोटेशनल ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितनी होगी, ई ई के लिए 3 हो जाएगी। ठीक है, ई के लिए भी 3 हो जाएगी, जैसे इसकी थी बी की उसी प्रकार इसकी भी हो जाएगी। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि किसी फिगर को कितने डिग्री एंगल पे हम टर्न करें कि सेम टू सेम हमें फिगर मिल जाए। ठीक है, तो अगर ई नंबर को हम 120 डिग्री पर टर्न करेंगे, 120 डिग्री पर टर्न करेंगे तब हमें फिर वो वही फिगर मिलेगी। ठीक है, अगर 240 डिग्री पर टर्न करेंगे तो फिर सेम फिगर वही मिलेगी। ठीक है, अगर 360 डिग्री पर टर्न करें तो वो तो मिल ही जाएगी। ठीक है, समझ गए, किसी भी फिगर का रोटेशनल सिमेट्री होगा मिनिमम एक होगा ही होगा, क्योंकि वो 360 डिग्री पे फिर वो टर्न करके सेम टू सेम फिगर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ई नंबर के लिए भी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और एफ नंबर के लिए देखिएगा, एफ के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इसके रोटेशन कितने हो, 90 डिग्री पे आ रहे हैं, 90 पे सेम होगा, फिर 180 डिग्री पे सेम हो जाएगा, 270 डिग्री पे सेम हो जाएगा, और 360 डिग्री पे सेम हो जाएगा। इस फिगर सेम टू सेम हमें, और इस फिगर को हम टर्न करते हैं 90 डिग्री तो हमें फिर से यही फिगर मिल जाएगा, फिर इस फिगर को 180 डिग्री टर्न करते हैं फिर फिगर हमें यही मिलेंगे, इस फिगर को 270 डिग्री पर टर्न करते हैं तो फिर भी ये फिगर हमें यही मिलेंगे। अगर इसी फिगर को फिर से एक बार पूरा चक्कर लगा के यहीं पे आ जाए तो फिर तो वही सेम मिल ही जाएगी, तो वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। जिस फिगर दिए गए हैं इसमें सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है इसमें, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान में देना पड़ेगा इसको कितने डिग्री से टर्न करने की हमारा हो जाए। अब देखिए अगर इसको हम 90 डिग्री पे टर्न करें, 90 डिग्री पे टर्न करोगे तो एक बार ये ऐसे की तरफ आ जाएगा, ऐसे की तरफ आ जाएगा, क्या इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, ये हॉरिजॉन्टली हो जा रहा है, ये वर्टिकल हो रहा है। अगर इसको हम 180 डिग्री पे टर्न करें इसको तब चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री पे टर्न किया, 180 डिग्री पे टर्न किया, अब 360 डिग्री पे तो सेम हो ही जाएगा ये, क्योंकि कोई भी फिगर रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री पे होता ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए 2 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री का है तो इसके लिए आपका हो जाएगा, इसके लिए भी 2 ही होगा। 90 डिग्री करेंगे, देखिए आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, लीनियर पेयर आपको पता है रैखिक युग्म, ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड रुकिए मैं थोड़ा इसको फिगर को बड़ा करता हूँ। ये हो गया आपका ये लाइन, ये हो गया, इफ ये 80 डिग्री है तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको 90 डिग्री टर्न करते हैं तो ये वाला एंगल 100 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो क्या यह सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम 180 डिग्री टर्न करेंगे इसको तो ये वाला जो एंगल है ये नीचे आ जाएगा 80 डिग्री और ये 100 डिग्री तो रहेगा ही, और फिर 360 डिग्री टर्न करेंगे तो ये वाला एंगल 80 डिग्री इधर आ जाएगा, तो सेम टू सेम फिगर आ रहा है, तो इसका रोटेशनल और सिमेट्री कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, विजुलाइज़ कीजिए चीज़ों को, अपने मन में सोचिए कि हाँ ये टर्न कर रहा है। ठीक है, इतना समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर बी का रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 2 हो गया, इसके लिए भी 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे, अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब जाके इसके लिए रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी, बी में भी दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, इसके लिए साफ दिख रहा है रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, 4 होंगे। 90 डिग्री पर टर्न कीजिएगा, 90 डिग्री पर टर्न कीजिए, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रोटेशनल सिमेट्री कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे एंगल, कौन कौन से होंगे, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको चार चीज़ सेम दिख रहे हैं ना तो उसका रोटेशनल सिमेट्री
चार आप मान लीजिएगा, ठीक है, और 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर तीन चीज़ इक्वल दिख रहे हैं तो अग्रसर समेटी तीन मान लीजिएगा, अगर दो चीज़ आपको इक्वल दिख रहे हैं तो दो हो सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको चार चीज़ इक्वल दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो इनके रोटेशन और ये वाला उठ के यहाँ करते तो 90 डिग्री टर्न करेंगे, एक और 80 डिग्री टर्न करेंगे, 270 डिग्री टर्न करेंगे या फिर 360 डिग्री टर्न करेंगे। इन चारों टर्न्स पे इसकी जो शेप रहेगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है, समझ गए। तो इसके रोटेशन सिमेट्री कितने हो गए, नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 हो गए, ठीक है। चलिए इसे देखिए, 5 भुजा है, 5 के 5 भुजाएँ बराबर है, क्या है, 5 के 5 भुजाएँ बराबर है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी होंगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 5 होंगी, ठीक है। अगर ये साइड्स बराबर नहीं होती ना तो रोटेशन सिमेट्री 5 नहीं होती, 1 होगी, 1 हो भी सकती नहीं हो सकती, वो चेक करना पड़ता है आपको फिर से। तो अगर साइड्स बराबर हैं, इक्वेटर ट्रायंगल है, यहाँ देखिए ये चार चीज़ हैं, इसलिए 4 हो गए, इसके लिए 5 हो गए, देखिए कितने स्टार्स में ये हैं, वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए रोटेशन सिमेट्री 6 हो जाएगी। ये कितने पैर इक्वल आपको दिख रहे हैं, 3 है, तो इसके लिए रोटेशन सिमेट्री 3 हो जाएगी। और कितने डिग्री एंगल पे ये रोटेशन सिमेट्री सेम होगी, तो जितने ऑर्डर हो रहे हैं ना, जिसके मान लीजिए 6 डिग्री के ऑर्डर हो रहे हैं, इसके कितने हैं ऑर्डर, रोटेशन सिमेट्री कितने हैं 6 है, तो कितने कितने डिग्री पे ये सेम मिलेंगे, तो 360 में आपको ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 60 डिग्री पे देखिए, समझिएगा, अगर इस फिगर को 60 डिग्री पर टर्न करें तो ये फिगर सेम मिलेगी, 60 का दुगना 120 डिग्री पर टर्न करें तो ये फिगर सेम मिलेगी, फिर 180 डिग्री पर टर्न करें फिगर सेम मिलेगी, 240 डिग्री पर टर्न करें फिगर सेम मिलेगी, ठीक है। फिर हम अगर कितना 240 हो गया, 300 पर टर्न करें तो फिगर सेम मिलेगी, 360 डिग्री पर टर्न करेंगे तो फिगर सेम मिलेगी मिलेगी। तो टोटल कितने ऑर्डर हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो कितने डिग्री पर टर्न करेंगे, 60 डिग्री पर टर्न करेंगे, 120 डिग्री पर टर्न करेंगे, 180 डिग्री पर टर्न करेंगे, 240 डिग्री पर टर्न करेंगे, 300 डिग्री पर टर्न करेंगे, 360 डिग्री पर टर्न करेंगे, तो फिगर सेम टू सेम आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ देखिए, इसको इसकी ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री कितनी थी, 3 थी, और एक सेंटर से सभी ऑन कौन कितने डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री से भाग दीजिएगा तो 120 डिग्री। अगर इस फिगर को 120 डिग्री पर टर्न करेंगे तो फिगर सेम मिलेगी, 120 का दुगना कितना हुआ, 240 डिग्री पर टर्न कीजिएगा तो फिगर सेम मिलेगी, और फिर 360 डिग्री पर टर्न कीजिएगा तो फिगर सेम मिलेगी। तो ऑर्डर कितने हो गए, ऑर्डर सिमेट्री कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, चीज़ों को विजुलाइज कीजिएगा ना, क्योंकि मैं इसको एनिमेशन मेथड से बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि विजुलाइज में आपको करा नहीं पा रहा हूँ। अपने मन में मंथन कीजिए, विजुलाइज कीजिए चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ें घूम रही हैं, इसको मैंने 90 डिग्री पर टर्न किया तो सेम दिखा, 180 डिग्री पर टर्न किया तो सेम दिखा, 270 डिग्री पर टर्न किया तो सेम ही दिख रहा है, 30 डिग्री पर टर्न किया तो सेम ही दिख रहा है। तो मतलब कि वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, विजुलाइज कीजिएगा चीज़ों को, सिमेट्री क्या है, चीज़ों को विजुलाइज कीजिए, देखिए मन आँख बंद करके, हाँ ये टर्न कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी में बना कर देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये सब चीज़ें वो कोई थ्योरी उरी नहीं होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे, फिर से मिलेंगे आपको, लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री, यहाँ पे दोनों चीज़ को बताया गया है, लाइन सिमेट्री क्या होती है, रोटेशन सिमेट्री इसका भी हमने जिक्र कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14.3 एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और इसके जो लास्ट लेक्चर रहेगा, एक बार सब चीज़ को हम लोग जितने भी थ्योरी पार्ट्स पढ़ा था इन सबको हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 14.3 के साथ, मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।